आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये मैंने फ्रिल बनाई है। और देखिए ये ब्लाउज मेरा 34 साइज का है और अभी आपको बताऊंगी इसमें डिजाइन कैसे डालना है। तो मैंने लाइनिंग और ब्लाउज पूरा स्टिच कर लिया है देखिए, और अभी जो नेक डिजाइन है वो कैनवास पर कट करूंगी और उसके बाद फिर हम इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए अभी हमने कैनवास लिया है, इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दोनों बता देते हैं। देखिए लंबाई मैंने इसकी 12.25 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 11.5 इंच ली है। और जो ये 34 साइज़ के ब्लाउज के लिए है और नेक आप ये किसी भी साइज़ के ब्लाउज में डाल सकते हैं। तो देखिए ऊपर से 3.5 इंच लेंगे और उसके बाद हम नीचे तक का निशान लगा लेते हैं। तो मैं इसको 11 इंच ले रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जो ऊपर का नेक है वो हमारा 2.5 इंच है। और इसको हम 1 इंच की गोलाई दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच छोड़ देते हैं और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो नीचे से ये थोड़ा सा ब्रॉड आएगा हमारा, जो लाइन हमने खींची है इससे थोड़ा बाहर जाएगी। ये इस तरह से आएगा यहाँ से, तो ये तुम्हारा अंदर का नेक हो जाएगा। अभी हम बाहर का साइज लेते हैं। तो यहाँ से हम 1.25 इंच के आसपास इसका चौड़ाई लेंगे बुकरम का। सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, जो हम पैच डालने वाले हैं, हमने ये प्लेन कपड़ा लिया है और इस कपड़े पे इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इतना पीस हम एक सेपरेट कट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ पूरा इसको स्टिच कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा, और फिर जो 1/2 इंच बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा लेके फिर इसके आउटसाइड भी कट कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसको यहाँ पर पूरा स्टिच कर लेंगे और बाद में फिर हमने बताया जैसा कि ये जब सेट हो जाएगा तो 1/2 इंच छोड़ के ये बाहर का कपड़ा भी कट कर देंगे और जो 1/2 इंच लेंगे और उसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए जब हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा उसके बाद हमने ये फ्रिल बनाई है। ये मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेन छोड़ दिया है और 3 इंच से जो कपड़ा लिया है और वो मैंने उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 3 मीटर 2.5 मीटर जितना आपके पास कपड़ा है उतनी लंबी पट्टी कट कर लें और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया। तो फ्रिल का क्या है, आप इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रिल डालती जानी है। देखिए जब ऐसे फ्रिल डालेंगे यहाँ पर स्टिच डाल देंगे तो इसी तरह से ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। तो ये कि आप फ्रिल तैयार कर लें और जो हमारा नेक ड्राफ्ट है इसको तैयार कर लेंगे, फिर हम इसको नेक पे अटैच करके फिर इसकी डिजाइन देंगे। देखिए ये हमने पूरा स्टिच कर दिया, देखिए इस तरह से आएगा ये, और मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, बाकी का सब कट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरह से पलट के सिलाई डाल देते हैं। स्टिच करते हैं तो देखिए ये ब्लाउज है और इसको हमको उल्टा रखना पड़ेगा क्योंकि जो पैच है बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर ये जॉइंट आ रहा है, इसी तरह से आप यहाँ पर निशान लगा लें। और अभी हम क्या करेंगे, इस ब्लाउज को यहाँ से दोनों शोल्डरों को इस तरह से पकड़ लें और एक शोल्डर सेंटर दे दें बीच में से और नीचे तक भी इस तरह से एक निशान लगा लें। और अभी पैच को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे
और एक बीच में स्टिच डाल देंगे जिससे कि ये पार्ट हमारा पूरा सेट हो जाएगा। करते हैं जो हमारा नेक का शेप है पूरा शेप में स्टिच डाल देते हैं। आयरन कर लिया तो ये सेट हो गया है। अब ये हम यहाँ पर प्लेट डाल देते हैं, तो इस तरह से उल्टा कर लें और जो हमारा ब्रॉड है उसके साइड से प्लेट डालें। तो देखिए हमने दोनों साइड में प्लेट डाल दी है। अभी हम बताते हैं तो यहाँ पर फ्रिल लगानी है, तो क्या करना है, अभी जैसे मैंने ये प्लेट रखा है तो अभी आपको बताते हैं कैसे प्लेट डालनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लें और ऐसे करते हुए इस तरह से आप फ्रिल डालते हैं इसमें। इसी तरह मैंने ये सारे फ्रिले तैयार कर लिए हैं। अभी हम क्या करते हैं, इन फ्रिलों को इसके अंदर से इस तरह से रखेंगे पैच के अंदर, और जो हमारी नेक की शेप है सेम शेप में इस पर पहले स्टिचिंग डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसको लेस लगा के थोड़ा डिजाइन। मैं एक साइड से स्टार्ट की, दूसरे साइड स्टॉप कर दी। ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है, जो कि इस लेस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से। और जो हमारा अंदर नेक है उसमें हम बीट लेस लगाएंगे। देखिए ये मोती वाली लेस है, तो ये मोती वाली लेस हमारी इस तरह से आएगी अंदर से और गोल्ड वाली हमारी बाहर आएगी। लेस है जो कि हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे यहाँ से लेके सेम नेक में, और उसके लिए हमको फुटर चेंज करना है जैसा कि मैंने चेंज कर दिया है। और उसके बाद ये मैंने लूप बनाया है जो कि हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, इधर इधर हमारा लूप आ जाएगा, लेफ्ट साइड में एक बटन आ जाएगा, तो इसका लूप इस तरह से दिखेगा। अंदर हमने पूरे में लेस लगा दी है और ये बटन लिया है, ये क्लॉथ का बटन है। और इस तरह के बटन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बटन लग जाएगा और इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे तो इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज नेक डिजाइन बना सकते हैं। इसी ब्लाउज का मैंने ये स्लीव डिजाइन भी बनाया है, आप चाहे तो ये भी देख लें जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ये डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाए। तो ब्लाउज मैंने कट कर लिया है और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है और इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे हम तीन डॉट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसको कमर में डिजाइन कैसे दें और सुंदर कैसे बनाएं। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में जैसे मैंने बता दिया वैसे मैंने कट कर दिया था, अभी मैं सोच रही हूँ इसमें कमर में डिजाइन दूँ। उसके लिए मैंने सेम कलर का ये कपड़ा लिया है और देखिए इस तरह के दो पीस ले लिए हैं पट्टियाँ। तो आपको इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ, देखिए 3 इंच के आसपास मैंने इसकी चौड़ाई ली है और ये पीस मैंने दो पीस लिए हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 30 इंच के आसपास एक पीस है और 30 के आसपास एक है, टोटल 60 है। तो इसकी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पीसों को यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद फिर इसको हम इस तरह से रखेंगे और पूरे में सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद फिर हम इसमें इस तरह की फ्रिल बनाएंगे, देखिए इस तरह की फ्रिल बना के फिर इसमें लगाएंगे ब्लाउज। तो यहाँ पर शेप देते हैं। तो देखिए जो डिजाइन है हमारी ये कमर में आएगी नीचे, तो जो हमारा लाइनिंग है इसको हम बराबर से सेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सेट कर लिया है और यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ पॉइंट देते हैं। पॉइंट देने के बाद इसकी गुलाई हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, तो सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देंगे और इसी तरह इसकी शेप भी दे देंगे आगे पीछे जैसे। तो देखिए इसकी शेप इस तरह से हो चुकी है। अभी आपको बताती हूँ इसको कैसे सिलेंगे हम। तो देखिए सीधा हमने ब्लाउज रख लिया है, नीचे सीधा ये उल्टा है और इसके ऊपर जो हमारा ये लाइनिंग का ड्राफ्ट है
हमने इसको इस तरह से रख लिया है। और अभी हम इसको चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। और देखिए जो हमने प्लेट के पॉइंट दिए हैं, इसी तरह मैं साइड में भी पॉइंट दे लूँगी। और पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे, फिर नीचे इसकी फिनिशिंग देंगे, और उसके बाद जो फ्रिल लगाएंगे ये लगा के फिर तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने बताया था स्टिचिंग का मेथड, मैंने लाइनिंग के साथ पूरा इसको स्टिच कर लिया है, नेक की फिनिशिंग दे दी है। और देखिए अभी हम जो यहाँ पे प्लेट डालने वाले हैं, मैंने यहाँ से एक स्टिच स्टिच डाल दिया, जिससे क्या ये पीस सेट हो गए। जब प्लेट डालेंगे तो लाइनिंग और ब्लाउज अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ अच्छे से प्लेट आ सकेगी। अभी हम इसमें प्लेट डालते हैं। तो देखिए जो हमने मार्किंग की थी सेम उसी पर प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए मैंने एक प्लेट डाल दी है कमर वाली, और अभी देखिए जो हमारी ये सेंटर वाली प्लेट है इसको डालते हैं। तो ये प्लेट जो है हमारे दोनों पीसों में एक साथ ही आ जाएगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग बैक साइड में, इसलिए। तो देखिए हम इस तरह से पकड़ेंगे और सेम इसमें भी प्लेट डाल देते हैं। देखिए हमने अभी दो प्लेट डाल दी, एक नीचे की एक सेंटर वाली। अभी हम डालते हैं मुड्ढे वाली प्लेट, तो सेम मार्किंग पे इसको भी डाल देते हैं। हमने ये तीसरी प्लेट डाल दी है, इसी तरह मैं इस साइड में प्लेट डाल लूंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में प्लेट डाल दी है। और देखिए ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है, जो कि हमारे पास सेम पीस नहीं होता है, तो आप टुकड़े भी ज्वाइंट करके इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और देखिए यहाँ पर कमर में इसकी फिनिशिंग देंगे। और जो ये प्लेट है प्लेट डाल दें, प्लेट डाल के ये पूरा पीस मैंने रेडी कर लिया है। और अभी हम यहाँ पर कमर में इसको स्टिच करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ये मैंने प्लेन रखा है, क्योंकि हमारी फिटिंग भी जाएगी, तो फिटिंग के हिसाब से। तो इसमें 1 इंच के आसपास हम फ्रिल बाहर रख रहे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ये हमारा 2 इंच के आसपास फ्रिल है तैयार में। तो देखिए मैंने नीचे भी इस तरह से लेस लगा दी है, तो और देखिए नेक को भी लगा दी है। जब आप इसकी फिटिंग दे लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज का ये फ्रंट डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन ब्लाउज की कैसे बनाए। मैं आपको बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ, वो भी सेम कलर का फ्रिल डाल के। तो चलिए अभी हम कटिंग करते हैं। तो नॉर्मल हम जो शोल्डर से लेते हैं 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन मैं इसमें 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जो फ्रिल आएंगी वो अंदर की साइड में आएंगी, और ये थोड़ा ब्रॉड भी रहेगा, और ये डीप भी रखूँगी मैं, आप अपने साइज़ के अनुसार रख सकते हैं। तो देखिए मैंने शोल्डर से 3.5 इंच लिया है, और इसकी लेंथ भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा डीप और ब्रॉड दोनों ही रख रही हूँ। तो मैंने ये 11 इंच लिया है, लेकिन फिर भी अंदर लेस आने से कम हो जाएगा। अगर और थोड़ा सा अगर ब्रॉड रखना है तो बाहर की साइड ले ले, और सेम रखना है तो अंदर की साइड में, और थोड़ा सा शेप देने के लिए अच्छे से ब्रॉड रख रही हूँ। सेम ड्रॉ पर कट कर लेती हूँ। मैं सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास और नेक पट्टी कट कर लेती हूँ। मैंने लाइनिंग क्लॉथ डबल कर लिया है, और ये ड्राफ्ट को भी रख लेते हैं।
और सेम ड्राफ्ट होके मैं इसकी चौड़ाई जो लूंगी वो 1.5 इंच लूंगी और जो कैनवास लूंगी वो 1 इंच लूंगी। पट्टी और कैनवास मैंने कट किया था तो कैनवास बीच में रख के और जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दिया है। जैसे आप प्लेट डालते हैं वैसे मैंने नीचे इसमें प्लेट डाल दी है। अभी हम नेक को तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें नीचे की तरफ से। पट्टी कांच पट्टी लगाते हैं वैसे पट्टी लगा लें। तो ये पट्टी मैंने स्टिच कर दी, किनारे पे स्टिचिंग कर दूंगी और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। जो नीचे हमको फिनिशिंग देनी है उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी और इस तरह से इसको स्टिच कर लूंगी। थी और इसमें मैंने 1 साइड में पीको कर लिया है और अभी इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी और बाद में इसको ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो फ्रिल कैसे बनानी है वो आपको बताती हूँ। 1 इंच के आसपास इस तरह से ले लें अंदर की तरफ और इनको हम एकदम पास पास में प्लेट बनाएंगे तो गैप नहीं देंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो क्या ये प्लेट है सेट हो जाती हैं, अगर हम इस तरह से छोटा छोटा बनाएंगे तो वो सेट नहीं हो पाती हैं। ये फ्रिल मैंने बना के तैयार कर दूंगी और जो ये ब्लाउज मैंने बैक साइड कट किया था वो भी शोल्डर से आगे के हिस्से से ज्वाइंट कर दिया है दोनों साइड के पीस। तो जो ये डिजाइन आएगी ये बैक साइड से लेके पूरा फ्रंट में दोनों साइड में ये डिजाइन रहेगी। अगर आप इसकी ओपनिंग फ्रंट साइड करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेस लगाने का फ्रंट से करें। जैसे मेरे बैक ये ओपनिंग है तो मैं यहाँ से इसमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए मैं बैक साइड से लेके इस तरह से पूरे में अटैच कर दूंगी। ये फ्रंट में आएगा और फिर से बैक में आएगा और यहाँ पे आके फिर हमारे स्टॉप कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा इस पार्ट से और इस पार्ट पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें इसको बाहर की साइड 1 इंच के आसपास रखना चाह रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1.5 या 1.5 इंच भी आगे रख सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे और पूरे नेक में स्टिच कर देंगे। आगे पीछे दोनों साइड में अब ये मैंने लेस ली है इसको लगाऊंगी। तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी स्टार्टिंग में इस तरह से करने से और यहाँ से स्टिचिंग डालेंगे पूरे नेक में आगे पीछे से आगे तक। सबसे मैंने स्टिच कर दिया इधर भी और ये साइड में भी और आगे पीछे पूरा लगा दिया। अभी मैं इसमें सेकंड लाइन भी लगा रही हूँ तो इसको भी इसी तरह से लगा देंगे जैसे हमने ऊपर वाली लाइन लगाई है। तो इसमें थोड़ा सा मैं गैप दूंगी जिससे कि डबल कलर का लुक आ जाए इस तरह से। और ये फ्रिल भी लगा दिए तो कितना सुंदर हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। इस आसान तरीके से आप सुंदर से नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।